गाजियाबाद में एक ही परिवार के 5 संक्रमित, प्रदेश में कुल संख्या हुई 6294 कोरोना मरीजों की। झांसी में आज 3 किमी लंबा टिंडी दल पहुंचने की आशंका। यूपी में कई जगह अलर्ट, जहां प्रदेश में फसलों पर टिड्डी दल के हमले की आशंका को देखते हुए विभिन्न जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी जारी है कोरोना का कहर। 229 नए मरीज, अब तक संख्या हुई 6497 कोरोना पॉजिटिव की। 2 माह बाद टूटा कचहरी का सन्नाटा, अधिवक्ता व न्यायाधीशों ने जरूरी कामकाज निपटाए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर लौट रहे नवजात की मौत। भीषण गर्मी और पानी की कमी से थम गई सांसें। जहां मुंबई से गोरखपुर जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक नवजात की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे की हालत बिगड़ने से दंपत्ति ने रेलवे के कंट्रोल रूम में सूचना दी। जनता को बड़ी राहत देगी योगी सरकार, पार्कों में मॉर्निंग वॉक की मिलेगी अनुमति। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, 2 महीने से लॉकडाउन में बंद जनता को योगी सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। डंपर की टक्कर में पति की मौत, पत्नी समेत 4 घायल। कानपुर देहात में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, हादसे में पति की मौत हो गई। 1000 रुपए के लिए तपती धूप के बीच सड़कों पर घंटों बैठे रहे ग्राहक, भूले सोशल डिस्टेंस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लॉकडाउन के बीच मंगलवार को चिलचिलाती गर्मी के बीच बैंक में 1000 रुपए निकलवाने के लिए ज्यादातर महिलाओं और अन्य ग्राहकों की कई घंटों तक तपती सड़क पर बैठना पड़ा। अलीगढ़ शहर में कोरोना से 14वीं मौत। AMU के AC मेंबर भी संक्रमित, जहां कोरोना का संक्रमण लगातार जानलेवा बन रहा है। सोमवार को शहर के हॉटस्पॉट एरिया सासनी गेट के सराय मानसिंह में कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हो गई। चालक को झपकी आने से यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी प्रवासी मजदूरों से भरी टाटा 407। जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर मजदूरों को लेकर नोएडा से आगरा की ओर जा रही थी टाटा 407, जहां चालक को झपकी आने से डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।